जेडीएस का ये आरोप है कि सर आपने नहीं बनाया वो डिप्टी कमिश्नर के बजट से कौन बने डिप्टी कमिश्नर कुछ बना सकते क्या? मैं सुनो जी, सीएम फैज का छोड़ो, वो अभी बच्चा है, उसको पॉलिटिक्स में कुछ भी मालूम नहीं। अभी चुप आया दुबई से, यहाँ पर आया 3 महीने से काम कर रहा, क्या मालूम है बोलो। मैं जो प्रियांक खड़गे जी मिनिस्टर थे, प्रियांक खड़गे के पास मैं बैठकर 26 करोड़ रुपए का काम हमने किया, उनको क्या मालूम है बोलो। आप ही बोलो, डिप्टी कमिश्नर साहब काम कर सकते क्या? उसका एमएलए प्रपोजल भेजना, एमएलए मिलना, एमएलए उसको मिनिस्टर को बोलना, सीएम को जाना, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ है। अगर 3-3, 4-4 बार अगर आप जीत के आके इनके अगर दर्द दुख समझते तो आज ये हालत उन नहीं रहती उनकी। हमने उनसे सवाल किया था राजशेखर पाटिल से, उन्होंने कहा है कि घोड़वाड़ी में कीतू रानी चिनम्मा के नाम से 26 करोड़ का उन्होंने हॉस्टल बनाया, आप अगर उसको विजिट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बेंगलुरु में आए हैं। तो इस तरह के दूसरे कम्युनिटी में डेवलपमेंट क्यों नहीं है? ताजुब की बात है, 20 साल करीब करीब वो एमएलए बनकर एक ही स्कूल वो ला पाए, कितुर हनी चन्नम्मा का एक स्कूल, वो भी कोडम्बल में डीसी साहब अलॉट किए थे, वो उनका स्कीम नहीं है, बस उन्होंने उसको वहाँ तक वो वहाँ जगह अलॉटमेंट करवा के कोशिश की, वो उनका स्कीम नहीं है, वो बिल्कुल वो है कल्याण कर्नाटका डीसी साहब ने उसको अलॉट किया था। देखिए ताज्जुब की बात है, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी हर वक्त आप देखिए एजुकेशन और हेल्थ में बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे फिर से उनको वो ताकत देना चाहिए, क्योंकि वो आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे सकते हैं और ऊँची से ऊँची हेल्थ में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। तो हमारी सरकार की कोशिश ये रहेगी जो 20 साल में नहीं हुआ काम आगे आने वाले दिन में एक मौका देंगे तो ज़रूर हम आगे 5 साल में बना के दिखाएंगे।